कहा, हे रुक्मिणी, तुझे लगा कि मैंने तुझे बहुत कष्ट दिया, लेकिन द्वारका वासियों के लिए कृष्ण यहीं वास करना चाहता है और यहाँ पूरी मथुरा बसी हुई है, यहाँ उनको मीठा पानी नहीं मिलेगा और यह कार्य कृष्ण के सिवा कोई नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। आज से गोमती नदी का मीठा पानी द्वारकावासियों को मिलेगा और इसके लिए मुझे यह कार्य करना पड़ा, मुझे क्षमा कर। ऐसा करते हुए कृष्ण और रुक्मिणी माता को दोनों को नमस्कार करते हुए दुर्वासा महामुनि ने उनसे क्षमा मांगी और गोमती नदी की उत्पत्ति यहाँ हुई। ऐसे दुर्वासा महामुनि का यहाँ भी वास है, कहते हैं। तब दुर्वासा मांगा कि यहाँ का कोई भी साधक, यहाँ कोई भी द्वारका में आने वाला इस मंत्र को, मैं जो मंत्र बोलता हूँ उस मंत्र का उच्चारण करता है, उसके सारी विपदाएं वो कैसी भी हो चले जाए। वो मंत्र था, हे कृष्ण द्वारका वासिन क्वासी आशु यादव नंदन, आपद भी मुझ पर जो आपदा आ रही है, अगर तू नहीं रक्षा करेगा तो कौन रक्षा करेगा। इस तरह दुर्वासा महामुनि ने वो मंत्र बोला और वो मंत्र सारे जग ने उस मंत्र का उच्चारण किया। कहते हैं कि वो मंत्र उस दिन से मंत्र श्रेष्ठ कहा, श्रेष्ठ मंत्र कहलाया गया। जो भी इसका मंत्र द्वारका में उच्चारण करते हैं उसके कितनी भी किसी भी तरह के कष्ट हो उसका निवारण होता है। सका आज हम द्वारका में आए उसी मंत्र को जो दुर्वासा महामुनि ने कहा, जिस मंत्र को मेरा बाई ने उच्चारण किया, जिस मंत्र को यहाँ आकर साधु संत भी उच्चारण करते हैं, यही मंत्र मैं आपको आज इस द्वारका नगरी में दे रहा हूँ। मेरे साथ उच्चारण करो, आपकी जो भी तकलीफ है, कष्ट है, उन सभी कष्टों का निवारण होगा। बोलो, हे कृष्ण द्वारका वासी क्वासी यादव नंदन, आपत्ति परिभूता माम प्राय स्वाशु जनार्दन। हे कृष्ण द्वारकावासी क्वासी यादव नंदन, आपत्ति परिभूता माम प्राय स्वाशु जनार्दन। हे कृष्ण द्वारकावासी क्वासी यादव नंदन, आपत्ति परिभूता माम प्राय स्वाशु जनार्दन। या तो द्वारकाधीश के मंदिर में, नहीं तो गोमती नदी में, या फिर समुद्र के जहाँ संगम होता है वहाँ इस मंत्र की एक माला जो भी करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार की आपदा संकट नहीं आते, ऐसा कहा गया है। अगर हम कल वहाँ समुद्र स्नान के लिए जाएँ या गोमती स्नान के लिए जाए, हमारे जो साधक कल जिनकी गाड़ी छूट गई थी और वो आने में उनको देर हो गई, उनके लिए मैंने आज ये मंत्र सुबह नहीं कहा, उनके लिए अभी मंत्र बताया हूँ। जब हम कल सुबह स्नान को जाएंगे इस मंत्र को लेकर आप एक माला मंत्र से पर गोमती नदी में या द्वारका के मंदिर में या द्वारसा महामुनि के मंदिर में या रुक्मिणी माता के मंदिर में इस मंत्र को बोलते हैं तो हमारी सारी विपदाओं का नाश होता है, ऐसा कहा गया है। मुझे पता है आप सब लोग थक गए हैं, क्योंकि आपका थकना ऐसा वैसे नहीं, चल कर थकते तो वो बात अलग थी, चला कर थक गए हैं गाड़ी को बस को। और आप की थकावट को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपको अगर मैं कहूँ कि मैं अब जलेबी लड्डू देता हूँ तो मैंने गुरु जी जलेबी लड्डू नहीं चाहिए, सिर्फ नींद चाहिए। आप हमारे को एक रेस्ट वाली गड़बड़ वाली कुछ नहीं खुटी देर हम सो गए तो कल सुबह फ्रेश होकर आपके साथ आ जाएंगे, हमें नींद चाहिए। तो मैं आप सभी को उसी नींद को प्रदान करने के लिए देते हुए 11 बज रहे हैं। यहाँ निमेश भाई हो, गोपी हो, तुलसी हो, ये सब लोग, परल बहन हो, ये सब लोग हमें देख कर थक गए हैं कि कब आएंगे, कब खाना खिलाएंगे। आप खाना खा के थक गए हैं, मैं आप सभी को देखकर खुश हूँ, थक नहीं गया। जब रथ हांकने के लिए रुक्मिणी माई ने अगर अपना पसीना बहाया है तो कम से कम आप बस में आते आते हैं तो उतना कष्ट तो अनुभव करना ही हुआ द्वारका को आते आते कृष्ण को देखने के लिए। आप किसी की गाड़ी चुकी, किसी को गाड़ी में बैठे, कोई गाड़ी से आए, कोई ट्रेन से आए, कोई कितना महान आदमी भी हो, प्लेन से आने वाला भी हो, यहाँ तो वैसे ही गाड़ी में आना है जैसे माता रुक्मिणी आएंगे। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करें।
अभी निमेश भाई की तरफ से आज मैरिज का फंक्शन है, केक कट करेंगे और गुरु जी की आरती उतारेंगे। आप सभी को रस्ते देता हूँ। कल सुबह हम पहले समुद्र स्नान करेंगे, बाद में द्वारकाधीश का दर्शन ले लेंगे, बाद में बेट द्वारका समुद्र में हमें समुद्र में बोट में जाना है। वो कार्यक्रम 12-1 बजे आरम्भ करेंगे और वहाँ बेट द्वारका का दर्शन कर लेके आएंगे। आज अष्ट महारानियों के साथ श्री कृष्ण द्वारकाधीश के रूप में यहाँ है। यही सुदामा जी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए थे। कहते हैं कि ओरिजिनल जो द्वारका रत्नजड़ित थी, जिसे मैंने बांधा था, जो मथुरा में कृष्ण जब थे, बलराम जब थे, तो मथुरा में कृष्ण और बलराम को मारने के लिए जरासंध नाम का और कंस हर रोज आकर मथुरा में सताता था। इतना सताता था कि मथुरावासी भी बहुत तंग आ गए थे कि ये क्या हो रहा है। तब कृष्ण और बलराम दोनों ने भी ये निर्णय किया कि प्रभु भैया, अपने दोनों की वजह से मथुरावासी सब परेशान, पहले इनकी सेफ्टी देखेंगे, इनको सकुशल रखेंगे, तब हम इनके साथ युद्ध करेंगे। और उन्होंने कृष्ण ने बलराम भैया ने कहा तो फिर इसके लिए क्या करना है। उन्होंने कहा कि सब मथुरावासियों को यहाँ से सुरक्षित जगह में हम ले जाएंगे। तब उन्होंने राक्षसों का शिल्पी है मैं और देवताओं का शिल्पी है विश्वकर्मा, तो उन्होंने मैं से प्रार्थना की कि जो मैं बहुत ही श्रेष्ठ शिल्पी शिल्पकार कहलाया जाता है, वो एक मैं से उन्होंने कृष्ण ने कहा मुझे मेरे मथुरावासियों के लिए एक नगर बना दे जो बहुत ही सुरक्षित है, वहाँ कोई नहीं आ सकता, ऐसी जगह बना दे। तब मैंने यही द्वारका चुनी, इस द्वारका को 4 द्वार बनाए और उन्होंने एक ही रात में द्वारका को बसा दिया। तब कृष्ण भगवान ने सभी को ये बात नहीं बताई कि हमें क्या जाना है, नहीं तो लोग कहते नहीं नहीं हमें मथुरा से जाना नहीं है, यहीं रहना है, ये सारी बातें। कृष्ण ने एक ही रात में मैं को बोलकर मथुरा का पूरा मथुरा द्वारका को यहाँ शिफ्ट कर दिया, परिवर्तन कर दिया, यहाँ आए। जब मथुरावासी सुबह उठ के अपने आंखें खोल कर देखते हैं तो वो मथुरा में नहीं, कहीं और है। जब वो आए और कृष्ण से पूछा कि रोज रोज की तुम्हारे जो कष्ट था, उस कष्ट से निवारण करने के लिए यहाँ हमने तुम्हें बुलाया। तब गर्ग महर्षि ने भी जो मंत्र मैंने आपको बताया है, यही मंत्र गर्ग महामुनि ने भी उन मथुरावासियों को बताया था, जिस मंत्र को उच्चारण करने मात्र से ऐश्वर्यवान होते हुए सारे कष्टों का निवारण होता है। वो भी मंत्र इस प्रकार है, हे कृष्ण द्वारका वासिन काशी यादव नंदन कौरवे परिभूतामा किम नत्राय केशव। जैसे तो कौरवों को हराकर धर्म की स्थापना किया है, हमारे जीवन में भी अन्याय जो हो रहा है उस अन्याय को रोककर न्याय स्थापन कर हे भगवान केशव, हे श्री कृष्ण, हे द्वारकावासी, तुझे प्रार्थना करते हैं। और ये मंत्र मथुरा के वासी जो यहाँ द्वारका में आए थे, उन्होंने इस मंत्र का जब किया था, जो गर्ग महामुनि के कहने पर। ये दो ही मंत्र भी श्रेष्ठ कहलाए जाते हैं यहाँ द्वारकावासी कृष्ण को आराधना करने के लिए। तो अभी हमारे अंग्रेजी परंपरा के अनुसार केक कट करेंगे। मैरिज डे एनिवर्सरी है, 81 में मैरिज हुआ था दोनों का। माता जी हाथी की जैसी थी और मैं एकदम हिरण की जैसा था। ऐसे रूप में शादी दोनों की हुई। शादी की जोड़ी देखनी, जोड़ा बोल रहे थे दोनों ही, क्योंकि बोले गुरु जी ने माता जी को कैसे पसंद किया, इतनी मोटी है। वो जाने के बाद माता जी को बोले कि माता जी गुरु जी को कैसे पसंद की, हमने सिर्फ इसलिए किया, मैं समझ रहा था कि मैं मोटा नहीं हो सकता इसलिए मोटी से शादी कर ले, वो समझती मैं दुबली नहीं हो सकती इसलिए दुबली के साथ शादी कर ले। अब दोनों ही एक ही तरह हो गई हैं, शादी ही 81 से अभी कम से कम 40 साल हुई। और बस इस 40 साल की ज़िंदगी में गुरु परंपरा चली, गुरु जी मिले, पुत्र पुत्रियाँ हुई, पोत्री भी हुई, आशीर्वाद के साथ आश्रम हुआ, आप सभी हुए और गुरु कृपा के साथ ये चल रहा है। आज उसी श्री कृष्ण द्वारकावासी द्वारकाधीश कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही हंसते खेलते ज़िंदगी गुजरें और हम गुरु चरणों में गुरु कार्य करते हुए, गुरु सेवा करते हुए अपनी ज़िंदगी को आखिरी अंजाम दें और हम आप सभी की खुशियों के लिए जिए, आप सभी के कल्याण के लिए जिए। ऐसी शक्ति हमें भगवान से प्रदान करें। ऐसी अभी केक कट करेंगे और उसके बाद गुरु आरती संपन्न करेंगे और आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। कल सुबह 7-8 बजे फिर समुद्र स्नान के लिए जाएंगे और द्वारकाधीश का दर्शन लेकर मंत्र करके आने के बाद वो दोपहर में भोजन के बाद बेट द्वारका का के दर्शन के लिए जाएंगे। फिर वहाँ की महत्ता मैं वहीं बताता हूँ। यहीं गोमती चक्रों की उत्पत्ति भी हुई। गोमती चक्र किसे कहते हैं और कैसे ये क्या है मैं कल बताता हूँ। सभी को आशीर्वाद है। एक बार हम कहेंगे कि यहाँ का गोमती चक्र संसार में सबसे श्रेष्ठ काव्य है। तुम्हें तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं कम पड़े,
कहते हैं कि कृष्ण ने उन गोमती चक्रों को अमावस्या के दिन हर दरवाजे पर 7 गोमती चक्रों को गाड़ दिया था, और कहते हैं कि तब से कोई श्री कृष्ण जब तक यहाँ रहे यहाँ के वासियों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। और कहते हैं कि अपने गेट पर भी अगर 7 गोमती चक्र अमावस्या के दिन एक विशिष्ट मंत्र के साथ गाड़ दिए जाते हैं तो उस घर में कभी आपदा नहीं आती, किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता, ऐसा कहा गया है। आज उस मंत्र को भी मैं कल रात में आपको प्रदान करूंगा। 7 गोमती चक्रों को अमावस्या के दिन विशिष्टता से साधना करते हुए अगर अपने दहलीज पर जो हमें हमारे गेट होता है गेट के ऊपर रखते हैं तो उस घर में किसी प्रकार की एक आकस्मिक आपदा कभी घर में नहीं आती। अगर आपको पता है कि यहाँ ओझा जी नहीं, हमारे आश्रम में बहुत सारी आपदाएं हुआ करती थी एक जमाने, मैंने अमावस्या के दिन करते हुए उस गोमती चक्रों को स्थापना की, आज मैं और रहस्य की बात भी बता देता हूँ। उन गोमती चक्रों को हमारे आश्रम के गेट पर परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के कहने पर मैंने वहाँ गाड़ दिया था। आज गर्व के साथ कहता हूँ मैंने आश्रम में कोई सर्प या बिच्छू काट के कुछ तो हुआ या कुछ हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ, और आश्रम से कोई आपदा नाम की चीज़ नहीं हुई। ये गुरु कृपा है जो इतने जंगल में भी मैंने आज हम 20-21 साल काटे हैं लेकिन किसी को किसी प्रकार की आपदा का अनुभव नहीं होता। और उस बुखार आना वो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ऐसी कोई विपत्ति आपदा नहीं आई, जबकि हमने बहुत सारे विपत्तियों का सामना किया लेकिन वो लोग हार गए हमें नहीं हारे। और वो साधना है जो हमारे घर के दहलीज पर उनको उन गोमती चक्रों को दिया जाता है, और उन गोमती चक्रों की उत्पत्ति माता रुक्मिणी ने कृष्ण के कहने पर की थी और उसका यहाँ चारों दरवाजों पर गाड़ दिया जाता है मंत्र के साथ, जिससे द्वारका में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आती, ऐसा कहा गया है। मैं वो मंत्र और वो साधना कल शाम को प्रदान करूंगा, अभी केक कट करेंगे। बोलो प्रभु पुण्य सद्गुरुदेव भगवान की जय।